बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑपरेटर्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स, अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, दीज आर कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारे पास जिस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर के लिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम दो कंडीशंस को कंबाइन करना चाहते हैं तो देन वी यूज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। सो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहाँ पर यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का, जब हमने ये डिस्कस किया था एक्सप्रेशन कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, कि जिसके अंदर ऑपरेंड भी होते हैं और हमारे पास ऑपरेटर भी होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन, जस्ट लाइक दिस, ए प्लस बी, A and B, these are the variable, but here in expression these are called operands. इस expression के अंदर हम A और B को operand बोलेंगे और ये जो symbol आपको नज़र आ रहा है that is called the operator. So हमने last expressions में जब ये discuss किया था तो तब हमने ये बात discuss की थी। तो यहाँ पे both are the unary operators, इसका क्या मतलब है और बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड हों, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स, जस्ट लाइक दिस। ये जो हमारे पास एडिशन का सिंबल है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लीकेशन है या रिलेशनल ऑपरेटर हैं ग्रेटर देन लेस देन, इनके लिए हमें दो ऑपरेंड चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, सो दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे पास ऐसे ऑपरेटर हैं जिनके लिए जस्ट एक ऑपरेंड चाहिए। सो जहाँ पे आपको जस्ट एक वेरिएबल या एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो, दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू। इंक्रीमेंट मीन एड वन, के एक एड कर देना ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू में ऑटोमेटिकली एक ऐड कर देता है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर इसका सिंबल स्टूडेंट हम ये यूज़ करते हैं, ये प्लस प्लस, दो प्लस जब हम यूज़ करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जी स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, वेरिएबल का नेम ए है, तो हमने वैल्यू असाइन की ए को 5। लेकिन जब भी हमने ए के साथ प्लस प्लस लगा दिया, इट मींस कि हम 5 प्लस 1, एक हमने उसमें ऐड कर दिया, नाउ ए इज इक्वल टू 6। मीन जिस भी वेरिएबल के साथ आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसके साथ उसमें ऑटोमेटिकली 1 ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीमेंट, मीन सब्ट्रैक्ट, एक कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल एज इट इज, हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, ए वेरिएबल है, हमने एक वैल्यू उसको असाइन की 5 और उसमें 5 माइनस 1, तो नाउ ए इज इक्वल टू 4। सो जहां पे भी वेरिएबल के नाम के साथ आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज करते हैं तो ये वेरिएबल से या उसमें या तो एक ऐड कर देते हैं या एक माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहां पे देखते हैं कि ए प्लस प्लस, इट मीन ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स अगर आपको ये बताना चाहूं कि ए प्लस प्लस का मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, हमने एक में ए में एक ऐड कर दिया, और ए माइनस माइनस इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। तो ये तो स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसका सिंबल क्या है और ये वर्किंग कैसे करता है, और इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास है और डिक्रीमेंट का सिंबल यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो स्टूडेंट ये सिंबल है इसका, ये माइनस माइनस, यहाँ पे जो दो डैश आपको नजर आए
दैट इज कॉल्ड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक और बात जो है दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री मीन्स पहले और पोस्ट मीन बाद में। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी वेरिएबल के नाम से पहले आप इस ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर वेरिएबल के नाम के बाद आप इसको यूज करते हैं तो इससे स्टूडेंट क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है और हमारे पास ए एक वेरिएबल है। हम क्या चाहते हैं कि हम ए की वैल्यू एक्स को देना चाहते हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम ए को असाइन कर देते हैं ऑलरेडी ए इज इक्वल टू फाइव, देन व्हाट हैपन्स, अब होगा क्या, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है हियर, देन ये ट्रांसफर हो रहा है यहां पे। ए की वैल्यू फाइव है तो इट मींस वन प्लस फाइव सो सिक्स यहां पे ट्रांसफर होगा इसको। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले लगाना है इसको तो इट मींस इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में ये हम वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं एक्स को। लेकिन यहां पे आप देखें, यहां पे हम ये वेरिएबल की वैल्यू पहले इसको असाइन कर रहे हैं और बाद में इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्स को असाइन होगा फाइव और बाद में जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो सिक्स हो जाएगी। दिस इज द डिफरेंस प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। हम इसको प्रीफिक्स भी कहते हैं और पोस्टफिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल के नाम से पहले अगर आपने यूज किया तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स आर प्री इंक्रीमेंट, और अगर बाद में इस आपने ऑपरेटर को यूज किया तो इट मीन पोस्ट फिक्स आर पोस्ट इंक्रीमेंट। और इससे फर्क क्या पड़ता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। बिल्कुल ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट में आप वेरिएबल के नेम से पहले डिक्रीमेंट लगा दें और अगर बाद में लगा दें तो दैट इज कॉल्ड द पोस्ट डिक्रीमेंट। और बिल्कुल वही सेम अगर हमारे पास ए की वैल्यू फाइव हो तो यहां पर देखिए पहले माइनस हो रहा है, ये ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल फाइव है तो एक माइनस होगा फोर और फिर ये इसको ट्रांसफर होगा। मींस के जो एक्स को ट्रांसफर हो रहा है वो फोर हो रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पहले ये ट्रांसफर हो रही है वैल्यू फाइव और बाद में ए की वैल्यू फोर हो जाएगी। आप नेक्स्ट जब भी ए को कहीं पे यूज करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू आपको जो डिस्प्ले होगी वो फोर होगी। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस था कि अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लगाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और वेरिएबल से बाद में लगाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आई होप आप टुडे लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।